ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा है निर्भार होने की यात्रा। इस यात्रा में तुम्हें अपने भीतर का सारा भार गिरा देना होता है, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारे झूठ, तुम्हारा अहम और तुम्हारे मुखौटे इस यात्रा में धीरे धीरे गिरते जाते हैं। इस सारे भार का गिरते जाना ही कसौटी है यात्रा की। और क्या हो सकती है अंतरयात्रा निर्भार होने के सिवा? जीवन एक भार है, बोझ है, बर्डन है। तो जो इनर जर्नी है, इनर जर्नी वो प्रोसेस ऑफ अनबर्डनिंग है, निर्भार होने की प्रक्रिया है। अब भार क्या है व्यक्ति के जीवन में? सूत्र कहता है वो उसकी वासनाओं का, अपेक्षाओं का, धारणाओं का, जितनी भी चीज़ें तुम खोज पाओगे उनके बोझ में ही वो दबा है। अहंकार जो इनविजिबल है उसका भी बड़ा वजन है, बड़ा भार है, जिसके नीचे व्यक्ति कुचला जाता है। जो व्यक्ति अपने ऊपर मुखौटे लगाता है, यानी कि जो परसोना ओढ़ता है, जो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करता है, पहचान बनाता है, वो भी बड़ा बोझ है। कभी तुम देखो कैसे व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी के नीचे दब जाता है, अपनी पहचान के नीचे दब जाता है, या पहचान बनाने में कितना दबाव में आ जाता है। क्या ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा दबाव व्यक्ति को उसका अहंकार देता है? जो दिखाई नहीं देती चीज़ें जीवन में वो कितनी भार वाली हैं, इसका एहसास अंतरयात्री को होता है, इसका एहसास उस सीकर को होता है। हमारी वासनाएं, हमारी तृष्णाएं कहाँ दिखाई देती हैं? कितना दबाव है लेकिन उनका, कितना भार है उनका, जिनके बोझ के नीचे दबा हुआ है व्यक्ति। अब इस बोझ को हटाए तो कैसे हटाए? वो उनसे लड़कर नहीं, उनको समझ कर और उनकी वास्तविकता को स्वीकार करके उस बोझ को हटाया जा सकता है और निर्भार हुआ जा सकता है। वासनाएं और तृष्णाएं तो प्रकृति की देन है, अपने ढंग से व्यक्ति के अंदर घटती हैं। उनका अपना एक पैटर्न है, उनका अपना एक ढंग है, वो उस ढंग से ही उठती हैं, गिरती हैं और तिरोहित हो जाती हैं। अंतरयात्री को बस उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, देखना है और वो रूपांतरित होंगी, उसे निर्भार बनाएंगे। फिर उसका अहम, उसका अहंकार, वो इतना बोझिल हो जाता है। अहंकार से तात्पर्य उसकी जो स्यूडो पर्सनैलिटी है, उससे समझें कि व्यक्ति चैन से सो भी नहीं पाता, क्योंकि सोने के लिए भी उसका अपने अहंकार से मुक्त होना जरूरी होता है। तो कोई व्यक्ति जो अपनी पर्सनैलिटी का इतना ज़्यादा शिकार हो जाता है अहंकार का, तो इतना दबाव, इतना बोझ उसके ऊपर होता है कि वो ठीक से विश्राम भी नहीं कर पाता, और इन्हीं कारणों से व्यक्ति नशे की तरफ जाता है। व्यक्ति और उपाय ढूंढता है जहाँ पर वो अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को हटा सके, गिरा सके और निर्भार हो सके। नशे का यही आकर्षण है। अगर व्यक्ति का अहंकार, जो स्यूडो आइडेंटिटी पैदा हुई, अहंकार से हमेशा यही समझे स्यूडो आइडेंटिटी, क्योंकि एक फंक्शनल ईगो, कार्यात्मक क्रियात्मक अहंकार भी होता है, वो रहेगा, फंक्शनल ईगो रहेगा, लेकिन जिसको मैं फिक्शनल ईगो कहता हूँ, जो उसकी आइडेंटिटी से जुड़ा है, वो जाता है। अगर व्यक्ति उस फिक्शनल ईगो को, उस अहंकार को समझकर उसको समाप्त कर पाए, यानी समझ से ही वो समाप्त हो जाएगा, करना नहीं है कुछ, तो व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार का नशा विदा हो जाएगा। नशे की तरफ व्यक्ति जाता ही इसीलिए क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए अपने उस फिक्शनल ईगो से बाहर हो सके, आइडेंटिटी से बाहर हो सके, और उसमें वो रिलैक्स अनुभव करता है।
पिक्चर देखने जाता है, मनोरंजन के लिए जाता है, व्यक्ति इसीलिए जाता है कि वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल पाए, रो पाए, हंस पाए, उछल पाए, कूद पाए और अपने उस अहम को जो फिक्शनल है उससे हट पाए और निर्भर हो पाए। अगर इस चीज़ को समझे व्यक्ति तो जीवन में न जाने कितनी बीमारियां और समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी फिक्शनल ईगो को समझ लेने से। और फिर सूत्र बात करता है मुखौटों की, चेहरों की, जिनको ओढ़कर व्यक्ति जीता है, कितना दबाव बनता है व्यक्ति को। तुम ऑफिस जाते हुए व्यक्ति को देखो, कॉलेज जाते हुए व्यक्ति को देखो, कोई काम करते हुए व्यक्ति को देखो, उसने एक पर्सोना ओढ़ रखा है, एक मुखौटा ओढ़ रखा है और उससे वो कितना दबाव में है। अगर किसी की कोई आइडेंटिटी बन जाए तो कितना उसके ऊपर भार इकट्ठा हो जाता है, उसको ढोते ढोते ही व्यक्ति परेशान हो जाता है और तब उसको लगता है कि वो इस सारे मुखौटों को उतार कर फेंक दे और फिर से आइडेंटिटी लेस हो जाए। और ये संभव होता है ध्यान से, ये संभव होता है अंतर्यात्रा से, जो व्यक्ति को ये समझ देती है कि वो निर्भर हो सके। और जैसे सूत्र ने कुछ और बातें भी धारणाओं, मान्यताओं, विश्वासों की करी हैं तो उनको भी हम समझ सकते हैं, वो भी बहुत दबाव लाने वाली चीज़ है। अगर व्यक्ति किसी धारणा, मान्यता और विश्वास में ना जकड़ा हो तो तुम देखो वो कितना मुक्त होता है, एक पक्षी की तरह आज़ाद चेतना के आसमान में उड़ान भर सकता है। लेकिन धारणाएं, मान्यताएं, विश्वास उसके ऊपर पत्थर की तरह लटक जाते हैं और वो बोझिल हो जाता है, भार से ग्रस्त हो जाता है। तो अंतर्यात्री के लिए ज़रूरी है कि वो अपने भीतर के उन सारी चीज़ों को, उन सारे तत्वों को, उन सारे प्रोसेसेस को, प्रक्रियाओं को तलाशे जो एक भार की तरह उसके ऊपर आते हैं, बोझ की तरह, और उनको समझे, समझकर सचेतन ढंग से उनसे मुक्त हो और निर्भर। जैसे ही वो निर्भर होता है वो स्रोत से जुड़े हुए होने का एक अनब्रोकन एक्सपीरियंस करता है, अखंडित अनुभव करता है, जो कि है तो हमेशा स्रोत से जुड़ा लेकिन इस बोझ के कारण ही वो उसे नहीं देख पा रहा है। और फिर उसको ये भी दिखाई देता है कि इतने परेशान होने की बात क्या है, जब पूरे अस्तित्व ने संभाला हुआ है तो इतना बोझ लेने की, इतना भार उठाने की ज़रूरत नहीं है, तुम निर्भर हो सकते हो। Thank you.